सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और कुपोषण के बारे में अध्ययन किया था, आज हम खनिज कुपोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम अपने आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपना जो है अध्ययन शुरू करते हैं। खनिज कुपोषण, तो देखिए जिस प्रकार विटामिन और प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है, उसी प्रकार अगर भोजन में खनिज तत्वों की कमी होगी तो इससे भी कुपोषण हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार के खनिज शरीर के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं और इनका भोजन में होना जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं लोह तत्व। कौन सा तत्व? लोह तत्व, जिसे हम आयरन भी कहते हैं। यह रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? यह रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगर भोजन में इसकी कमी होती है तो इसकी कमी से रक्तहीनता या एनीमिया रोग हो जाता है और इस रोग के कारण जो है चेहरा पीला पड़ जाता है। तो लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्तहीनता या एनीमिया, और इस रोग के कारण चेहरा कैसा पड़ जाता है? पीला। तो जैसे एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो आपको ये याद रखना है कौन सा तत्व आवश्यक है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए? लोह तत्व। दूसरा तत्व हम लेते हैं आयोडीन। कौन सा तत्व लेते हैं? आयोडीन। तो देखिए यह जो है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए, और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये हमारे गले में स्थित थायरॉइड ग्रंथि के द्वारा जो है स्रावित किया जाता है। अगर भोजन में इस तत्व की कमी हो जाएगी तो एक रोग हो जाता है जिसे गलगंड या भेंगा रोग कहते हैं। तो भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या भेंगा रोग। इस रोग में जो है इंसान का जो गला है वो फूलकर लटक जाता है, और खासकर ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी जो लोग होते हैं और नदियों का झरनों का पानी पीते हैं वहां पर ये रोग अधिक होता है, क्योंकि वहां के जल में जो है आयोडीन की क्या होती है? कमी। तो आपको याद रखना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या घेंगा रोग। इसके बाद हम देखते हैं सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों तत्व मिलकर जो है मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण और शरीर का विद्युत अपघटन के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद आते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। ये दोनों तत्व मिलकर जो है हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर भोजन में कैल्शियम की या फास्फोरस की कमी होती है तो हड्डियां और जो है दांत वो कमजोर हो जाते हैं, जिससे है कई प्रकार के फ्रैक्चर होने की संभावना जो हड्डियों में हो जाती है। तो इस प्रकार ये पूरा होता है खनिज कुपोषण। आपको विशेष याद रखना है तो लोह तत्व के बारे में और एक आयोडीन के बारे में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि लोह तत्व किसके लिए जरूरी होता है? हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। तो इसके यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी होता है जल। जल इस पृथ्वी पर मिलने वाला एक ऐसा साधन है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अब हम देखते हैं कि पीने के लिए जो जल आवश्यक है या पीने योग्य जल है उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो आप मेरे साथ ध्यान से देखेंगे। पहला गुण होता है कि जल में आंखों से दिखाई देने वाले कण और वनस्पति नहीं है। क्या नहीं होने चाहिए? पीने योग्य जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होने चाहिए। दूसरा गुण होता है कि हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। क्या नहीं हो? हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। पीने योग्य जल का तीसरा गुण है कि जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीने योग्य जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए, और
संतुलित का मतलब कितना होना चाहिए, वो 7 होना चाहिए। ये पीएच मान क्या होता है कि हम जैसे आगे के लेसन पढ़ेंगे उनमें वहां इसको हम विस्तार से समझेंगे। चौथा गुण होता है जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। क्या घुली होनी चाहिए? जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। तो आप एक बार मेरे साथ वापस दोहराएंगे कि पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला गुण, जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होने चाहिए। दूसरा, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। तीसरा, जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए। और चौथा गुण है जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। ये पीने योग्य जल के गुण होते हैं। अब हम देखते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव, यानी कि दूषित जल पीने से कौन कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए, यदि पीने का पानी दूषित होगा, क्या हो, यदि पीने का पानी दूषित हो तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। किसके कारण होती है बीमारियां? पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। ये सूक्ष्म जीव पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जिसमें विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख है। कौन कौन से हैं सूक्ष्म जीव? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कृमि। ये सब किसमें मौजूद होते हैं? पानी में। अगर हम ऐसे पानी को पिएंगे तो पानी के साथ ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और हमें बीमार कर देते हैं। इनकी वजह से कई प्रकार के रोग जैसे हैजा, पेचिस, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती है। तो ये दुष्प्रभाव है किसके? दूषित जल के। अब हम देखते हैं दूषित जल के कारण एक और बीमारी होती है जिसे हम नालू या बाला कहते हैं। यह बीमारी राजस्थान में पाई जाने वाली एक प्रमुख बीमारी थी, लेकिन वर्तमान में जो है यह बीमारी अब राजस्थान में नहीं होती है। तो यह जो है दूषित जल पीने से होती है और इसका जो रोग जनक है, इस बात को आप इसे ध्यान रखना कि नालू या बाला रोग का जो रोग जनक है उसका क्या नाम है। तो इसका रोग जनक है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। क्या नाम है मेरे साथ बोलेंगे आप? ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। थोड़ा बोलने में ये अटपटा लगता है, लिखने में भी कठिनाई आती है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो नालू के रोग जनक का क्या नाम है? ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ये भी बोर्ड में एक नंबर में पूछा गया प्रश्न है, तो आप याद रखना इसको। अब हम देखते हैं कि दूषित जल से होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। तो दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय, तो उपाय में सबसे पहला हम ध्यान रखेंगे कि पीने का जो जल होता है उसको छान कर, उबाल कर और ठंडा करके पीना चाहिए। क्या करना चाहिए? पानी को छान कर, उबाल कर और ठंडा करके पीना चाहिए। दूसरा उपाय है कि नदी, तालाब और कुएं जो है इनको हमें स्वच्छ रखना चाहिए। तो हम अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो दूषित जल के कारण होने वाली इन बीमारियों से बचा जा सकता है। हाँ, तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा वीडियो में उसको आप मेरे साथ एक बार दोहराएंगे और हम उस पर रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा खनिज कुपोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? खनिज कुपोषण के बारे में। खनिज कुपोषण में हमने पढ़ा सबसे पहले लौह तत्व की कमी से होने वाले प्रभाव। तो आपको पता है लौह तत्व जो है भोजन में किसके निर्माण के लिए जरूरी है? शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। तो आप मेरे साथ बोलेंगे कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? हीमोग्लोबिन। कौन सा तत्व आवश्यक होता है? हीमोग्लोबिन। दूसरा हमने पढ़ा आयोडीन। आयोडीन जो है ये किसका निर्माण करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का।
और भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बताइए, गलगंड या गहंगा रोग। कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या गहंगा रोग। इसके बाद हमने पढ़ा कैल्शियम और फास्फोरस। ये दोनों तत्व जो है मिलकर हमारी हड्डियों और दांतों को क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से दो तत्व मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं, तो बोलिए क्या बोलेंगे आप? कैल्शियम और फास्फोरस। इसके बाद हमने पढ़ा सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों तत्व जो है मिलकर जो है शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, मांसपेशियों के संकुचन में ये सहायक होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था दूषित जल के दुष्प्रभाव और पीने योग्य जल के गुण। तो पीने योग्य जल के मैंने आपको चार गुण बताए थे, तो बोलिए पहला गुण क्या था? कि जल में आंखों से दिखाई देने वाले कण और वनस्पति नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए बोलिए? जल में दिखाई देने वाले आंखों से वनस्पति और सूक्ष्म कण नहीं होने चाहिए। दूसरा गुण मैंने आपको बताया कि पीने योग्य जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं हो। क्या नहीं हो? हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। तीसरा क्या बताया था? तीसरा मैंने आपको बताया था कि पीने योग्य जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? संतुलित। और संतुलित से क्या मतलब है? कितना होना चाहिए बताइए? 7। कितना होना चाहिए पीएच मान? 7 होना चाहिए। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि पीने योग्य जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। क्या घुली होनी चाहिए? ऑक्सीजन। तो ये चार गुण होते हैं इसके पीने योग्य जल के। इसके बाद मैंने आपको दूषित जल के दुष्प्रभाव बताए। तो जैसा कि आप जानते हो, दूषित जल पीने से कई प्रकार की बीमारियां हैं जो हो सकती है, और ये बीमारियां किनके कारण होती है? दूषित जल में पाए जाने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण। ये रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? विषाणु, जिसे हम वायरस भी कहते हैं। और आपने सुना रखा होगा वर्तमान में एक छोटे से वायरस ने जो है तबाही मचा रखी है, जिसका नाम क्या है पता है? COVID-19। तो ये वायरस जो होता है ये बहुत ही हानिकारक सूक्ष्म जीव है, और इससे जो बीमारियां होती है उनका इलाज जो है बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसके बाद होते हैं सूक्ष्म जीव जीवाणु, प्रोटोजोआ और कृमि। इनके कारण जो है शरीर में हैजा, पेचिस, पीलिया, टाइफाइड जैसे खतरनाक बीमारियां हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पीने योग्य जो जल है वो कैसा होना चाहिए बताइए? स्वच्छ होना चाहिए। पीने योग्य जल को स्वच्छ करने के मैंने आपको उपाय भी बताए, जैसे कि पानी को छानकर और उबालकर पीना चाहिए, और नदी, तालाब, कुएं, झरने जो हम उपयोग में लेते हैं उनको क्या रखना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ रखने से मतलब उनमें गंदगी न फैलाए। तो ये आपको आज मैंने बताया। इसके बाद मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और बताया था, नारू या वाला रोग। ये जो है दूषित जल में मिलने वाले कृमि, जिसका नाम है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, है ना? तो नारू का रोगजनक क्या है? ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस के कारण होती है, और ये हमारे राजस्थान में बहुत अधिक पाई जाती थी पहले, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और अभी इस रोग का उन्मूलन हो चुका है, इसलिए अभी राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो इन को आपको ध्यान रखना है जो आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं। इनको पढ़ने के बाद अब हम आज का अपना होमवर्क देख लेते हैं, जिनमें मैं आपको ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इनको आप वीडियो को देखने के बाद रजिस्टर में नोट्स उतारेंगे, और नोट्स उतारने के बाद इन 5 क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं आपको, और फिर रजिस्टर में ही करना है आपको। ऐसा नहीं है कि एक पेज कहीं पर उतार दिया, दूसरा कहीं उतार दिया, इनको आप एक जगह रखें ताकि भविष्य में जब भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो आपको ये पूरा मटेरियल है जो एक जगह तैयार मिलेगा, तो जिससे आपको दोबारा पढ़ने की या उतारने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरी इस बात को आप इसे ध्यान रखें। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा चुका है कि रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो आप वीडियो देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन हड्डियों और दांतों को मजबूती के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। और चौथा क्वेश्चन लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसका आपको नाम बताना है रोग का। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नारू या बाला रोग के रोगजनक का क्या नाम है बताइए। तो ये आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।